नमस्ते, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये न्यू ईयर के बाद का पहला वीडियो है और हाँ, आज 12 जनवरी संडे है और हम घर पे हैं। थोड़े दिन पहले मेरा ये अमेज़ॉन का एक पार्सल आया था, तो आज उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और अनबॉक्सिंग से पहले ना बाल बहुत बढ़ गए हैं, थोड़ा ग्रूमिंग वूमिंग हेयर कटिंग करवाना पड़ेगा, तो पहले हेयर कटिंग करवाते हैं, बाद में अनबॉक्सिंग। और संडे वीकेंड एंजॉय, कल फिर से ऑफिस होगी तो आज पूरा रिलैक्स करेंगे। गया था, अभी नहाने जाऊंगा और फ्रेश होके फिर आपसे मिलता हूँ। सो नहा के अभी जस्ट फ्रेश हुआ हूँ और बज रहे हैं दोपहर को 2 बज रहे हैं, तो अनबॉक्सिंग वाला काम थोड़ी देर के बाद, यानी अभी लंच कर लेता हूँ, लंच के बाद अनबॉक्सिंग वाला काम करेंगे। तो अभी कुछ पेट पूजा किया जाए। सो आफ्टर लंच मैं इसका अगले वाले वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, और वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो पहले वो भी देख लो, ये भी देख लो। और हाँ, वो अभी तक ऐसा ही पड़ा है, आई नो। अभी थोड़ी देर में वो भी अनबॉक्स करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तो थोड़ा एंगल चेंज करके बात करते हैं, इसीलिए मैं अभी आया हूँ टेरेस पे। और रीज़न है टेरेस पे आने का कि परसों है मकर संक्रांति और इसी टेरेस से पतंगें चंगाएंगे, तो अभी पतंग भी खरीदना बाकी है। थोड़ी अगले साल की पतंगें हैं तो वो तो चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो अनबॉक्सिंग फिर से थोड़ा डिले हो गया और हम जाएंगे अभी बाज़ार पतंग खरीदने के लिए। सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, अंधेरा होने लगा है, तो अभी बाज़ार तो जाना पड़ेगा, फिर अंधेरे में ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी पतंग हैं अभी अगले साल की, जो कि थोड़ी बहुत फटी है, थोड़ी अच्छी है, काफ़ी सारी अच्छी है, थोड़ी ही फटी है, तो थोड़ी नई लेके आते हैं और चलते हैं बाजार अभी। फाइनली अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा दिन ख़त्म हो गया अनबॉक्सिंग करते करते, लेकिन किया नहीं अभी फाइनली। अब कितना बज रहा है, 7:30 बजने वाले हैं और अभी होता है
और हाँ, मैंने थोड़े बहुत पतंग खरीदे, और मैंने मांझा नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे पास मांझा ऑलरेडी है, तो मैंने मांझा नहीं ख़रीदा, पतंग खरीदे। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस। ओके, बाय द वे, ये है कैमरा का माइक जो कि है बोया कंपनी का, और मॉडल है बोया MM1 यूनिवर्सल शॉर्ट गन माइक्रोफोन। और हाँ, मैं ये एक बात और बताना भूल गया कि मेरे पास ऑलरेडी एक बोया का माइक है और सेम टू सेम मैंने ऑर्डर किया है, वो क्यों ऑर्डर किया, बबल रैप वो क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि 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 ये जो कैमरे का जो केबल रहता है वो कौन सा केबल होता है, TRRS, यस 3.5 mm TRRS केबल जो कि DSLR में कनेक्ट होता है, वो ख़राब हो चुका है। ये मैंने कैसे तैसे जुगाड़ करके, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से घुमा के पीछे लग गया है ताकि वो प्रॉपरली चल सके। तो फिर मैंने कंपनी को ईमेल किया कि मुझे ये सिर्फ ये केबल चाहिए, तो उन लोगों ने लिंक भेजा जो कि मिल रहा था $5 में, $5 यानी ऑलमोस्ट 450 या 500 के आसपास। तो चलो, मैंने बोला ऑर्डर करते हैं, उसको ऑर्डर कर दिया, तो बोल रहा है शिपिंग चार्ज $9 यानी 5 + 9 9, तो उसको रुपये में कन्वर्ट करते करते वो ऑलमोस्ट 1200 रुपये हो जाते हैं। तो फिर मैंने नए माइक की कीमत चेक की ऑनलाइन, अमेज़ोन पे नए माइक की कीमत चेक की, वो भी मुझे 1200 में मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिर्फ केबल परचेस कर ना करके पूरा माइक ही ऑर्डर कर दूँ। और हाँ, फिर मेरे पास और एक 1000 रुपये की अमेज़ोन की कूपन थी, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली मुझे पड़ा ये 250 रुपीज़ में ओनली पूरा माइक का सेटअप। माइक दिस इज़ बोया MM1 शॉर्ट गन माइक, 3.5 mm जैक, डेड कैट फॉर गुड एंड बेटर साउंड, और दिस इज 3.5 mm TRRS केबल, यू कैन सी, एंड दिस इज 3.5 mm TRS केबल जो कि फ़ोन के लिए है, फ़ोन लैपटॉप एक्सेट्रा, और ये सिर्फ कैमरा में चलता है। तो ये मेरा बिगड़ गया था, ये माइक का, माइक स्टैंड है, बॉक्स में आता है साथ में, और एक पाउच है कैरी करने के लिए, यूज़र मैनुअल। सॉरी, मैं गलत था, ये जो वायर है उसको TRRS बोलते हैं, पहले मैंने इसको TRRS बोला था, लेकिन ये मोबाइल और कैमरा, मोबाइल और लैपटॉप एक्सेट्रा के लिए है, उसको TRRS केबल बोलते हैं, और इसको TRS केबल बोलते हैं। सो कभी कभी यूज़र मैनुअल काम की चीज़ है, पढ़ लिया करो। सो अभी ये माइक का क्या करें, अभी उसका जो ये वाला केबल है TRRS जो कि मोबाइल और लैपटॉप में कनेक्ट करता है, उससे ये माइक बहुत बढ़िया चलता है, सिर्फ ये केबल में ही प्रॉब्लम था। तो मेरा एक फ्रेंड ये लेने की सोच रहा है, वो मोबाइल से शूट करता है, तो उसको चलेगा, अगर वो नहीं लेता तो शायद मैं इसको गिव अवे कर दूँ, करूँ या ना करूँ, कमेंट डाउन बिलो कमेंट करो, फिर सोचता हूँ।
आपने देखा वो मकर संक्रांति के दिन की तैयारी थी, पतंगे तैयार की जा रही थी। तो इस मकर संक्रांति अपना और अपनों का ख्याल रखिए, चिड़िया पक्षी बर्ड्स का भी ख्याल रखिए, उनको इंजरीज ना हो उसका ध्यान रखिए, और गलती से उनको इंजरीज हो जाए तो नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर को क्या कांटेक्ट करें, या फिर वो आजकल सोशल मीडिया पे या फिर लोकल में भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर। इस मकर संक्रांति अपना और अपनों का ख्याल रखिए, चिड़िया पक्षी बर्ड्स का भी ख्याल रखिए, उनको इंजरीज ना हो उसका ध्यान रखें, और गलती से उनको इंजरीज हो जाए तो नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर को क्या कांटेक्ट करें, या फिर वो आजकल सोशल मीडिया पे या फिर लोकल में भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर। हैव अ सेफ मकर संक्रांति टू ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ क्राउन एंड बी द किंग ऑफ द रोड। और हाँ, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।